Hello everyone, this is Vasif from HM class. Now today we are discuss about trigonometry, especially for class 10 student. ये जो trigonometry है especially for class 10 के लिए है, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा. So let's start. First of all, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक उठाने से पहले उस टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. तो आज मैं बता रहा हूँ जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री वो कहाँ से आया. ठीक है, द फर्स्ट ठीक है ट्रिग्नोमेट्री, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक वर्ड. ये दो ग्रीक वर्ड नाम से मिलकर बना. फर्स्ट वर्ड है आपका ट्रिग्नो एंड सेकेंड इज मैट्रो, मित्रो नहीं मैट्रो. ठीक है, तो इट मीन्स ट्रिग्नो का मीनिंग होता है ट्रायंगल, ओके, एंड मैक्रो मेजर. ओके, सो जो ट्रिग्नोमेट्री है बेसिकली वो किसके ऊपर बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल. ये ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल के ऊपर बात करती है. ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो. जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया. ठीक है, तो ये याद रखिए ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ग्रीक वर्ड से आया और ट्रिग्नो और मिक्रो को मिला के आया हुआ. ठीक है, तो देखते हैं आगे. ये चैप्टर जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मुझे चॉक एंड डस्टर मूवी की याद आ गई. मैं उसी मूवी से एक फार्मूला उठाया हूँ. आप उस फार्मूला को कैसे याद करना है सिर्फ ये याद रखिएगा, बाकी सब हो जाएगा. ठीक है, तो पी बी पी डिवाइडेड बाई एच एच बी, इट्स मीन्स पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल. ओके, ये याद रखना आपको. सिर्फ क्या लिखना है, ऊपर में पी बी पी फिर एच एच बी, इट मीन्स बद्री पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल. ठीक है, अब आप बोलेगा सर ये आपने क्यों लिखा है, तो आगे आपको पता चलेगा इसका क्या इम्पोर्टेंस है. ठीक है, तो लेट स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर को, इंट्रोडक्शन को. तो चलिए एक पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं. बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है, तो ट्रिग्नोमेट्री बेस किसके ऊपर है, ट्रायंगल के ऊपर. सो चलिए ट्रायंगल बनाया. ओके, नाम दिया ए बी एंड सी. अब देखिए क्या होता है, जब एंगल ए इसको मानेंगे, ठीक है, जो इसके साथ जुड़ा रहेगा, बेसिकली इसको हम लोग बेस बोलते थे. ठीक है, बेसिकली क्या बोलते थे इसको, बेस बोलते थे. बट इस सिचुएशन में ट्रिग्नोमेट्री में ये क्या कहलाएगा, साइड एडजेसेंट. ओके, साइड एडजेसेंट. द मीनिंग क्या होता है एडजेसेंट का, इसका मीनिंग होता है जुड़ा हुआ. तो जो एंगल ए है वो जुड़ा हुआ है. ठीक है, साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए, जो ये साइड है वो किससे जुड़ा हुआ है, एंगल ए से. एंड जो उसका अपोजिट साइड होगा, अगर एंगल सी यहाँ है तो इसका जो अपोजिट साइड होगा इसको क्या बोलेंगे, साइड अपोजिट एंगल ए. ये साइड अपोजिट किसका है, एंगल ए का, और इसके साथ जो जुड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं बेस, और ये हाइपोटेनस जैसे का तैसा. ठीक है, अगर अभी हम लोग एंगल सी इसको मान लें, एंगल सी को मान लें, तो क्या मेरा साइड अपोजिट यही रहेगा और क्या यही रहेगा साइड एडजेसेंट, नहीं. तब अगर एंगल सी की बात करेंगे तो ये मेरा साइड एडजेसेंट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, साइड एडजेसेंट. ओके, और ये हो जाएगा मेरा, इसकी बात करेंगे तो अपोजिट साइड अपोजिट हो जाएगा. ओके, साइड अपोजिट एंगल सी. सो आई होप कि आपको समझ में आया हो. अब बात करते हैं मेन स्ट्रीम चैप्टर के बारे में. ओके, इस चैप्टर में जो फॉर्मूला याद करने का होता है, आप लोग और हम लोग जानते हैं कैसे याद करें. जब मैं भी 10 में था तो बहुत डरता था इस चैप्टर से, बट अब मुझे बहुत इजी लग रहा है. तो आइए देखते हैं इसको कैसे याद करा जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पहला साइन की बात करते हैं हम लोग, साइन थीटा. ओके, अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है,
तो देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ओके, तो फर्स्ट साइन थीटा है, तो साइंस में ये जीरो लेंगे, पहले ये दोनों को लेंगे, पी अपॉन एच। तो मेरा पहला डिराइव हुआ पी अपॉन एच। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है मेरा बी सी एंड हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बी सी एंड हाइपोटेनस जो है मेरा वो सी ए बोलिए या ए सी बोलिए। ओके, सो आई होप कि साइंस आपको साइन थीटा का निकल गया। साइन के बाद आता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी बी डिवाइडेड बाई एच। जो मेरा कॉसेक आएगा, कॉसेक थीटा, ओके, कॉसेक थीटा मेरा बी अपॉन एच। यहाँ देखिए बी अपॉन एच। ओके, सो बी की बात करें तो बी यहाँ पे हो जाएगा, यानी बेस ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस इज इक्वल टू ए सी। ओके, अब बात करते हैं टेन थीटा। लास्ट क्या है, पी डिवाइडेड बाई बी, पी डिवाइडेड बाई बी। ओके, तो पी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी की बात करते हैं तो बी सी, बी की बात करते हैं तो ए बी। ओके, आपको बस ये तीन याद रखना है, अब इसके बाद अपने आप आपको सब याद आएगा। साइन का क्या, साइन थीटा इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई एच, एंड कोस थीटा इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई एच, एंड टेन थीटा इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई बी। अब आते हैं हम लोग कोट की बात करते हैं, कोट थीटा, ठीक है। कोट थीटा की बात करेंगे तो अब क्या होगा, पहले हम लोग क्या माने, जैसे कोट हम लोग जान, कोट थीटा जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। ओके, तो टेन का हमने माना बी बाई बी, तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, बी बाई पी। अब सबका अपोजिट जाएगा। ओके, अब सबका आगे जो भी होगा उसका अपोजिट जाएगा, कोट का हो जाएगा बी बाई पी। सो तो क्या हो जाएगा, सॉरी, ए डिवाइडेड बाई बी, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। कोट के पास आता है मेरा सेक, सेक थीटा, जो मेरा सेक थीटा है वो क्या है, कॉसेक का उल्टा है, ठीक है, इसका उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हम लोग ने लिखा है बी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई बी। ओके, सो सी ए डिवाइडेड बाई ए बी। ओके, अब लास्ट वन कॉसेक, कॉसेक थीटा की बात करते हैं हम लोग, तो कॉसेक होता है साइन का उल्टा। तो साइन, साइन का था पी बाई एच, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, एच डिवाइडेड बाई पी इक्वल टू सी ए डिवाइडेड बाई बी सी। ओके, तो देखिए आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ट्रिक समझ में आया हो, ठीक है। सिंपल, आपको पहले साइंस, साइन का एक थीटा का याद कर लेना, ठीक है। साइन याद क्या करना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये छः मंत्र है पंडित जी, पंडित जी क्या का नाम क्या है, बद्री प्रसाद, और वो हमेशा हर हर बोलते रहते हैं कि हरे ओम जो है, ठीक है, वो बोलते रहते हैं। आपको ये फॉर्मूला से याद रखना, उसके बाद आपको खुद ब खुद ये सब याद हो जाएगा, ठीक है। अब आई होप कि अच्छे से क्लियर हुआ हो आपको। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, अपना नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में चलने के लिए पहले आपको हेक्सागोन बनाना है, देखिए मैं हंसिएगा मत, हेक्सागोन थोड़ा गलत हो गया, आप लोग भी पहले हेक्सागोन बनाएंगे, हेक्सागोन को एक दूसरे से जोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, हेक्सागोन से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद नाम लिखना, फर्स्ट ऑफ ऑल नाम क्या है, साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। ओके, यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा, यहाँ पे है टेन थीटा। ओके, यहाँ पे है कोट थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा। ओके, देखिए हेक्सागोन बनाने के बाद आपको फर्स्ट में लिखना साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। देखिए इससे क्या हो गया, इससे आपको ये भी समझ में आ गया कि कौन किसका अपोजिट है, ये बाद में आपको मैं बताऊंगा कौन किसका अपोजिट है, कैसे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं, अगर कभी अगर बोल दिया टेन, टेन दे दिया, मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेन, टेन थीटा है,
फाइंड आउट करने बोल दिया तो आप कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो मेरा पहले चलेगा वो क्लॉक वाइज, ओके, टेन का आगे वाला दो जो है, ठीक है, वो क्या होगा, एक दूसरे का क्या होगा, बटे होगा, ठीक है। तो टेन का जो होगा वो क्या होगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ओके। टेन का क्या होगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, यानी देखिए टेन यहाँ पे है, टेन थीटा इक्वल टू साइन, फर्स्ट में साइन है तो साइन ऊपर लिखेंगे, उसके बाद कॉसेक लिखेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड अगर हम लोग साइन की बात करें, साइन थीटा, तो यहाँ देखिए साइन है, साइन का क्या कॉस है डिवाइडेड बाई कॉट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा, ओके। ये अब इसी तरह चलते रहेगा, फिर क्या है, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब लिखेंगे हम लोग कॉस की, निकालते हैं हम लोग कॉस थीटा इक्वल टू कॉस क्या हो जाएगा, कोट डिवाइडेड बाई कॉसेक, कोट थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा, ओके। तो ये आपको अब बनते जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको कोट का निकालना है, तो कोट का हो जाएगा कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा, ठीक है। अगर कॉसेक का निकालना तो सेक थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा, सेक का निकालना टेन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये छह फॉर्मूला आपको निकाल लेना है इस तरह से, ठीक है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो। अगर कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम या कोई भी क्वारीज है तो प्लीज़ कमेंट कर दे, कमेंट करके पूछे, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ने ऐसे ही बना दिया है, अब ये सही भी है या नहीं है, तो लेट्स सी। कोई भी मैथ में तो यही अच्छा है कि आपको किसी को अगर नहीं समझ में आता तो यानी कि मेरा फार्मूला अगर डिराइव किया मैंने सही है या नहीं है उसको क्या कर दे, उसको प्रूव कर दे। तो देखते हैं प्रूव करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने बोला टेन इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ओके। मैंने क्लॉक वाइज में भी लिया, क्लॉक वाइज यानी इस तरह से घूमती क्या घड़ी, ठीक है। हम तो देखते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा का क्या होता है, अगर टेन थीटा की बात करें तो पी डिवाइडेड बाई बी, टेन थीटा इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई बी, सो इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या है मेरा, पी है डिवाइडेड बाई एच, यहाँ पे साइन डिवाइड कर दिया, उसके बाद क्या है कॉस की बात करते हैं, कॉस की बात करेंगे तो कॉस इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई एच, ओके, ये हो गया। अब क्या करना है इसको, सो पी डिवाइडेड बाई एच डिवाइड है, साइन चेंज हो जाएगा मल्टीपल एच डिवाइडेड बाई बी, सो एच एच कट गया, तो मेरा बचा वो क्या होता है पी डिवाइडेड बाई बी। सो हियर टेन थीटा इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई बी, एंड कट करने के बाद जो आया मेरा वो भी क्या आया, पी डिवाइडेड बाई बी। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ टेन इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा। आई होप कि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आप कोई भी मैथ या कोई भी फार्मूला डिराइव हो रहा है तो उसको प्रूफ भी कर सकते हैं, अपना करके देख लेना है, ठीक है। इसी तरह आगे का साइन थीटा का भी आप लोग करके देख लीजिए, अगर मिस्टेक अगर नहीं होकर प्रूफ हो रहा है तो आप कमेंट करें, मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट के तरफ चलते हैं, चलिए एक और मैं प्रूफ कर देता हूँ कॉस की। सो कॉस थीटा इक्वल टू होता है कोट थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा, ओके, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा, यही होता है, ठीक है। कॉस थीटा की बात करेंगे हम लोग तो कॉस थीटा मेरा होता है बी डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू कोट, तो कोट जो होता है मेरा पी डिवाइडेड बाई बी, डिवाइडेड का साइन देंगे उसके बाद कॉसेक हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई पी। सो जब इसको सॉल्व करेंगे बी डिवाइडेड बाई पी इंटू पी डिवाइडेड बाई एच, पी पी कट गया, जो मेरा बचा वो बी डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। क्या बचा मेरे पास, बी डिवाइडेड बाई एच। यहाँ देखिए कॉस की जो वैल्यू आई है बी डिवाइडेड बाई एच, और जो कॉट और कॉसेक को डिवाइड करने वाला है बी डिवाइडेड बाई एच। इट मीन्स कि ये क्या है, कॉसेक का जो कॉट डिवाइडेड बाई सेक है वो मेरा फॉर्मूला सही है। सो लेट्स सी नेक्स्ट, ये जो हो गया क्लॉक वाइज की, अब देखते हैं एंटी क्लॉक वाइज, ओके, एंटी क्लॉक वाइज फार्मूला। एंटी क्लॉक वाइज मीन पहले तो क्लॉक वाइज इस तरह से, अब क्या होगा इसका उल्टा हो जाएगा, घड़ी का अपोजिट हो जाएगा, ओके। तो देखते हैं हम लोग, अगर पहले मानते हैं टेन को लेते हैं हम लोग, क्या टेन थीटा,
तो एंटी क्लॉक लेना है 10 थीटा है, पहले हमको इस तरह से लेना था, इस तरह से लेना है एंटी क्लॉक। तो पहले क्या हुआ, 10 थीटा इक्वल टू था सेक थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा। ओके कॉसेक थीटा, तो अब इसको 10 थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा। एंड साइन थीटा का लेते हैं हम लोग, साइन थीटा इक्वल टू साइन 10 थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा। ओके अब इसको भी प्रूफ करके दिखाते हैं कि जो मैंने जो लिया है वो फॉर्मूला सही है या गलत है। ठीक है, तो 10 थीटा इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू सेक थीटा, सेक का होता है एच डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई कोसेक होता है, कोसेक लिया, कोसेक का होता है एच डिवाइडेड बाई पी, सो इक्वल टू एच बाई बी, एच बाई बी इन टू पी बाई एच, सो एच एच कट जो मेरा आया पी डिवाइडेड बाई बी। सो हमने यहाँ पर भी देख लिया जो मेरा 10 थीटा इक्वल टू सेक थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा वो सही है। साइन का आप लोग करके देख लेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट फिर हेक्साकोण बनाएंगे। इस बार हेक्साकोण बनाने के बीच में लिखना हमको 1, बीच में क्या लिखना है 1, जहाँ पे मिस होगा वहाँ पे लिखना है 1। ये आपको एक पेज में बना के रखना है ताकि आप इसको इजीली याद कर सके। ओके 1 लिखने के बाद फिर से हम लोग वही पुट करेंगे, साइन थीटा ओके कॉस थीटा ठीक है, हाँ 10 थीटा ओके कोट थीटा कोसेक थीटा, उसके नेक्स्ट में है सेक थीटा। ठीक है, अगर कभी कभी भूल जाए कि सर किस साइड क्या लिखना है, तो एक याद है जो राइट हैंड साइड है मेरा वहाँ पे सी वाला पूरा आ जाना चाहिए, कॉस कॉट कॉसेक ओके। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं, ठीक है अब क्या करना है, यहाँ पे अपोजिट को इंटू करना, यानी साइन का अपोजिट क्या है मेरा कॉसेक। ठीक है, सो व्हेन वी मल्टीपल साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन और कॉसेक थीटा को जब भी हम लोग मल्टीपल करेंगे जो मेरा विजुअल आएगा वो क्या आएगा 1, बीच में लिख दिया मैंने 1 इसलिए ठीक है वो आ जाएगा 1। एंड इसी तरह से कॉस को इंटू करेंगे हम लोग सेक से, ठीक है हाँ सो ये 1। सेकेंड में बात करते हम लोग, अगर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, जब इसको इससे मल्टीपल करने के क्या आएगा 1 आएगा फैन। एंड 10 थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू ऑल्सो 1, 10 थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। सो देखिए करना इजीली आपको याद करना है, ठीक है ज़्यादा माइंड पे प्रेशर ना लेना है। ठीक है ट्रिक खोजने की कोशिश से हमेशा ट्रिक जो है ड्राइव करने की कोशिश करें खुद से। ठीक है तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, इसलिए मैंने 1 लिख दिया बीच में, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, 10 थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। ओके जब ये एक दूसरे से इंटू करेंगे जो उसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा। अब इसी में अगर हम लोग जब एक जैसे मान लेते हम लोग अगर साइन थीटा इंटू कोट थीटा, ओके याद साइन थीटा इंटू कोट थीटा, जब भी हम लोग जब किसी को साइन अगर मान लीजिए इस तरह से बनाना साइन थीटा इंटू कोट थीटा, जो मेरा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कॉसेक थीटा की आएगी। ठीक है इसी तरह 10 थीटा इंटू सेक थीटा करेंगे जो आएगा मेरा सेक थीटा का, यानी जब दो नंबर को मल्टीपल करेंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा उसका बीच पर आएगा। ठीक है जैसे आपको ये देखना, जैसे कहीं पर दे दिया आपको कि मान लीजिए साइन थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू, तो आपको ये देखना कि बीच में क्या है, तो देखिए साइन और सेक के बीच में क्या है 10 थीटा, जो रिजल्ट आएगा इसका क्या आएगा 10 थीटा आएगा। इसी तरह से आपको सब देखना है, तो देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट इसमें हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू मल्टीपल साइन थीटा मल्टीपल कोट थीटा, साइन थीटा की बात की साइन थीटा मल्टीपल कोट थीटा, बीच में क्या मेरा सेक थीटा, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा मेरा कोस थीटा, क्या आएगा कोस थीटा। इसी तरह से प्रूफ करके भी मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है
अभी प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, ये ऊपर वाला भी प्रूफ करूंगा और इसको भी प्रूफ करूंगा, ठीक है। तो पहले वो प्रूफ कर देता हूँ मैं आपको, ऊपर वाला ही प्रूफ कर देता हूँ पहले, ओके। तो देखते हैं साइन थीटा का क्या होता है, पी डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, इंटू कॉसेक की बात करेंगे तो कॉसेक का होता है एच डिवाइडेड बाई पी, ओके, क्यों, क्योंकि ये, ठीक है, ठीक है। सो पी पी कट एच एच कट, सो वैल्यू आया मेरा 1 आया। इसी तरह से अगर कॉस की बात करेंगे, अगर कॉस की बात करेंगे तो कॉस का वो जो मेरा वैल्यू होता है वो क्या होता है, बी बाई एच इंटू सेक थीटा, सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक मेरा क्या है, एच बाई बी, सो एच एच कट बी बी कट, सो जो वैल्यू आया मेरा 1 आया। सो यहाँ भी मैंने प्रूव करके दिखाया जो मेरा साइन इंटू कोसेक है इक्वल टू 1 कैसे आता है, ठीक है। सो अब इसको भी देख लेंगे, पहले एक और देख लेते हैं हम लोग, साइन ले लिया मैंने, कॉट ले लिया, अब यहाँ पे एक ले लेता हूँ टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कहाँ है, टेन थीटा इंटू कोट, कोट क्यों लिया, सॉरी सॉरी गाइस, तो गलत हो गया थोड़ी, टेन टेन मल्टीपल कॉसेक हुआ यहाँ पे, कॉसेक, ओके, कॉसेक थीटा जो यहाँ आएगा वो आएगा सेक थीटा, ओके। सो इसको भी प्रूव करके देखता हूँ, ठीक है। तो क्या लिया था मैंने, साइन थीटा इंटू कोट थीटा, जो वैल्यू आएगा मेरा क्या आएगा, कॉस का आएगा, कॉस थीटा। सो देखते हैं, लेट्स सी साइन थीटा क्या होता है, ना साइन थीटा का होता है पी बाई एच इंटू, जो मेरा कोट थीटा है, कोट थीटा का जो मेरा कोट थीटा है, कोट थीटा का क्या है, तो देख लेते हैं, कोट थीटा का जो होता है मेरा बी बाई पी होता है, आई थिंक बी बाई पी, ओके, इक्वल टू पी पी कट मेरा बचा बी बाई एच, ये बी बाई एच किसका है, ये बी बाई एच मेरा कॉसेक का है, सॉरी कॉस का, ओके, बी वाई एच किसका है, कॉस का। जो देखिए यहाँ भी मैंने ये फॉर्मूला डिराइव जो किया, ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो अच्छे से। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, मान लीजिए यहाँ साइन दिया हुआ और कॉस निकालने बोलता है, यानी क्लॉक वाइज में चलेगा भी, ठीक है, क्लॉक वाइज में चलेगा भी, साइन दिया हुआ है और हमको निकालना है ना, साइन दिया हुआ मैंने, ओके, साइन थीटा दिया हुआ है, आपको बोलता है फाइन आउट कॉस थीटा, क्या बोलता है, कॉस थीटा, सॉरी, या हाँ साइन दिया हुआ निकालने बोलता है, फाइन द कॉस थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा, साइन दिया हुआ है, कॉस थीटा इक्वल टू साइन माइनस 90 थीटा, ओके, जो साइन थीटा उसको 90 से क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर देंगे। इसी तरह साइन दिया हुआ रहेगा, सॉरी कॉस दिया हुआ रहेगा और साइन थीटा निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस माइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके, क्लॉक वाइज में भी चलेगा, एंटी क्लॉक में भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है। इसी तरह आगे अगर कोट दिया हुआ रहेगा, कॉसेक निकालने बोलेगा, तो हम लोग लिखेंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा, ठीक है, यानी यहाँ पे 90 को हम लोग थीटा से माइनस कर देंगे, तो मेरा क्या आएगा, साइन थीटा निकल जाएगा। आई होप कि अब तक मैंने जितना भी समझाया उससे वो अच्छे से समझ में आएगा। आज ही शाम को मैं इसका जो टेबल है, ठीक है, जिसमें हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा जो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री में जो वैल्यू है उसे फाइन आउट करना सीखेंगे। वो वीडियो आज शाम 6 बजे तक अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। अब तक के लिए इतना, आप अच्छे से इसको पढ़िए, रिवीजन बेस है, रिवीजन करिए, और ये हेक्सागोन है, हेक्सागोन के जरिए ही रिवीजन करिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सो बाय बाय।